मथुरा में आज हरियाणवी डांसर सपना चौधरी का कार्यक्रम है। शाम को गोवर्धन रोड सतोहा के ब्लू डायमंड रिजॉर्ट में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर साधु संतों ने भारी आक्रोश है। संतों ने कार्यक्रम को रद्द करने के लिए एडीएम को ज्ञापन सौंपा है। साधु संतों का कहना है कि अगर इसमें किसी को कार्यक्रम करना है तो इस तरह के फूहड़ डांस हम मथुरा में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, हम इस कार्यक्रम को नहीं होने देंगे। बता दें कि पहले भी 3 बार सपना चौधरी का कार्यक्रम मथुरा में साधु संतों के विरोध के बाद रद्द हो चुका है। अभी हम इन्होंने जो पत्रक हमें सौंपा है कि कोई सपना चौधरी डांस करने आ रही है, तो हमने सिटी एसपी सिटी और एसडीएम को पत्र लिख दिया है कि क्या कौन सा डांस हो रहा है, कहां हो रहा है और किस तरह का प्रोग्राम है, उसके विषय में एक आख्या ली जा रही है। हम लोग आज उसका नृत्य होने वाला है, हमें रात में मालूम पड़ा। उसने पूरे वृंदावन में कहीं भी होर्डिंग नहीं लगाया, खाली मथुरा में लगाया। तो हमने जब आने के बाद में, हम कल नर्मदा जी से आए, हमने देखा और हमारे पास रात में सूचना मिली तो उसके विरोध में आए। हमने 4 बार उसका नृत्य वृंदावन में नहीं होने दिया, मथुरा वृंदावन में, नंदगांव बरसाना गोकुल वृंदावन मथुरा में हम उसका नृत्य नहीं होने देंगे। हम उसके नृत्य का, हम उसका विरोध नहीं करते सपना चौधरी का, हम उसके भूगड़ पने का जो नृत्य होता है ना उसका विरोध करते हैं। और इसके विरोध में साधु समाज ब्रजवासी सब एक हो गए हैं, हम उसका नृत्य किसी भी कीमत में यहाँ पर नहीं होने देंगे। इस खबर पर विस्तृत जानकारी के साथ जुड़े हैं मातुल शर्मा, जिनसे बातचीत करेंगी हमारी सहयोगी पूजा दुबे। से सपना का विरोध चल रहा है मथुरा में, ये पहली बार नहीं है। ऐसे भी कई बार कार्यक्रम को, सपना चौधरी के कार्यक्रम को निरस्त किया जा चुका है। तो अभी ताजा क्या अपडेट मिल रही है, क्योंकि संत ये कह रहे हैं कि हम सपना चौधरी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उनके फुहड़ता का विरोध कर रहे हैं। फिलहाल ताजा जानकारी क्या कुछ है आपके पास? जी भैया, मैं आपको बता दूं, सपना चौधरी के कार्यक्रम का विरोध साधु संतों ने कर दिया है। साधु संतों का साफ तौर पर कहना है कि मथुरा एक धार्मिक नगरी है, यहाँ धर्म के हिसाब से अगर काम हो तो उस पर कोई विरोध नहीं है, लेकिन सपना चौधरी फूहड़ डांस करती है, अखिल डांस करती है, इस वजह से हम उसका विरोध कर रहे हैं। पहले भी कई बार मथुरा में सपना चौधरी का प्रोग्राम अलॉट हुआ, लेकिन कई बार साधु संतों का विरोध कैंसिल हो गया। तो आज साधु संत यही मांग करने आए थे जिलाधिकारी महोदय से, इसका प्रोग्राम कैसे भी कैंसिल किया जाए, अगर कैंसिल नहीं होता तो साधु संतों साफ तौर पर चेतावनी दी कि हम इसके प्रोग्राम को वहाँ होने नहीं रहेंगे। जी जी, तो ताजा अपडेट क्या है, क्या ये प्रोग्राम निरस्त हो चुका है, होगा या नहीं, क्योंकि ज्ञापन तो डीएम तक सौंप दिया गया है। जी, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा इस परमिशन जो दी गई थी वो एडीएम सदर द्वारा दी गई थी, और जब हमने एडीएम से बात की इसके प्रोग्राम का तुरंत उन्होंने साफ तौर पर अभी आख्या मंगाई जाएगी और बताया जाएगी किस तरह से इसको परमिशन दी गई और कैंसिल का भी क्या करना है। अभी पूरी तरह से अभी प्रोग्राम कैंसिल नहीं हुआ है, लेकिन साधु संत अपनी मांग पे अड़े हुए हैं कि कैसे भी हो प्रोग्राम कैंसिल होना चाहिए। जी जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि सपना चौधरी कभी भी स्टेज पे परफॉर्म करती है तो हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं, उसके डांस को देखते हैं, इंजॉय करते हैं, तो वहाँ पे सुरक्षा का जो इंतजाम है वो बहुत ज्यादा बंदोबस्त किया जाता है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होती है और फुहड़ता की वजह से ज्यादा लड़ाई झगड़े भी आपस में फैंस के बीच में हो जाती है। तो सुरक्षा के क्या इंतजाम मथुरा में किए गए हैं? सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, मथुरा की पुलिस ने भी सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, साथ में जो सपना चौधरी है उनके खुद के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड भी आ रहे हैं स्टेज पे, सपना चौधरी के पर्सनल बाउंसर भी खड़े रहेंगे जिससे किसी तरह की कोई विवाद ना हो उसके डांस को लेकर। वो डांस स्टेज पर करेंगे, लेकिन सुरक्षा पूरी तरह से, इंतजाम पूरी तरह से मजबूत किए हुए हैं। मथुरा की पुलिस के साथ साथ भी सपना चौधरी के पर्सनल जो सिक्योरिटी है वो भी मथुरा में आई हुई है और डेरा जमाई हुई है। जी जी, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पे ये भी खड़ा होता है कि आज कार्यक्रम होना है, आज सपना चौधरी शाम को परफॉर्म करने वाली है, तो ऐसे में आज ही क्यों विरोध जताया गया है? कार्यक्रम की तैयारी तो काफी दिनों से चल रही होगी, पहले से ही लोगों को पता होगा कि सपना चौधरी मथुरा पहुंचने वाली है, तो ऐसे में आज सुबह से ही क्यों संत विरोध करने लगे अचानक से? जी, मैं आपको बता रहा हूँ, यही सवाल जो हमने साधु संतों से किया, कई दिनों से प्रोग्राम की बातें चल रही है, कई दिनों से प्रोग्राम की डेट फिक्स हो चुकी थी, आज ही अपने वर्क कर रहे हैं, तो संतों ने साफ तौर पर कहा कि जो भी सपना चौधरी जो भी होल्डिंग है वो वृंदावन में नहीं लगाए, वो मथुरा में ही लगाए हैं। और हमने जब आगे ये, हम आप कल आपको बाहर के आए और हमने ये मीटिंग की कि आज सपना चौधरी का प्रोग्राम जो हो रहा है उसको रद्द किया जाए, क्योंकि ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है कि जब सपना चौधरी का प्रोग्राम रद्द हुआ, और एक टाइम तक ऐसा हुआ कि करीब 1 घंटे पहले भी सपना चौधरी का प्रोग्राम रद्द किया गया। इस वजह से साधु संत पूरे आश्वस्त थे कि अगर हम एटीएम साहब को अपना ज्ञापन देंगे तो हो सकता है प्रोग्राम रद्द किया जाए। जी जी, लेकिन एक सवाल ये भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सपना चौधरी पूरे इंडिया भर में क्या विश्व भर में भी जाके परफॉर्म करती है, पर कहीं ऐसा विरोध नहीं देखने को मिलता है? दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पंजाब, हर जगह जाके सपना चौधरी परफॉर्म करती है, पर मथुरा धर्म की नगरी मानते हैं, पर मथुरा में ही क्यों विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इसका कोई मुख्य वजह बताया जा रहा है क्या?
मुख्य वजह यही है साधु संतों से बात की, साफ तौर पर कही कृष्ण की कोई रासलीला हो, माखन चोर की लीला हो, या कृष्ण जुड़ी हुई या राम जुड़ी हुई कोई लीला हो, उसका हम विरोध नहीं करेंगे। लेकिन इस तरह के जहाँ कृष्ण भगवान नृत्य करते थे, रासलीला करते थे, वहाँ के अगर शहर में अगर ऐसा दास हो तो हम इसका पूर्ण विरोध करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सपना चौधरी का, वो कहते हैं कि सपना चौधरी कोई विरोध नहीं है, लेकिन है कि कृष्ण रासलीला करते थे, यहाँ कृष्ण खेले हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि जो संत जो विरोध कर रहे हैं, गोकुल, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, मथुरा, वृंदावन, इनमें उसका कोई प्रोग्राम ना हो, क्योंकि यहाँ कृष्ण की यहाँ जन्मभूमि है, यहाँ कृष्ण ने रास रचाए, यहाँ कृष्ण ने नृत्य किया, यहाँ कृष्ण के लिए, तो ये उनका मानना है कि इस तरह से अगर यहाँ उन्हीं की धरती पर अगर डांस होगा तो इसका हम पूरा विरोध करेंगे। लेकिन ऐसे में तो बहुत सारे स्टार्स है, कलाकार है जो मथुरा जाते हैं परफॉर्म करते हैं, वृंदावन जाते हैं परफॉर्म करते हैं, पंजाबी डांसर्स वहां जाके परफॉर्म करते हैं, अलग अलग का फ्लेवर वहां स्टेज पे देखने को मिलता है, पर खास करके सपना चौधरी का ही विरोध क्यों हो रहा है? सपना चौधरी नो डाउट हरियाणवी डांसर है, थिरकती है तो लोगों की भीड़ देखने को मिलती है, खास करके सपना चौधरी पे ही क्यों बैन लग रहा है? ये एक बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। जी मैं आपको बता दूं, वो इनका साफ तौर पर साधु संत जो भी विरोध कर रहे हैं, इससे पहले भी साधु संत विरोध किया, साफ तौर पर कहना कि सपना चौधरी का हमारी नजर में कोई विरोध नहीं है, हम सिर्फ उसका जो असली डांस है, जो फोर डांस वो करती है, उसका विरोध कर रहे हैं। हम इस तरह का डांस अपने मथुरा की धर्म नगरी में बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि वो ये मानते हैं कि जो सपना चौधरी है वो जो डांस जब स्टेज पर करती है तो कुछ इस तरह का फोर डांस होता है जो मथुरा के लिए, धर्म नगरी के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन इसमें मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि इसमें तो ये भी रोक लगाया जा सकता है कि फुहड़ता को रोक दिया जाए, या सपना को ये कहा जाए कि आप ऐसे ही डांस करें जिसमें कोई फुहड़तापन ना दिखे, या कुछ ऐसा अश्लील डांस ना हो जिससे कि वहां का जो माहौल है वो खराब हो जाए, क्योंकि सपना चौधरी कभी भी डांस करती है और ऐसे कई किस्सों में भी देखा गया है कि गोलियां तक चली हुई है, इतनी भीड़ लग जाती है कि लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं, तो उस पर भी तो रोक लगाई जा सकती है। सपना को ये कहा जा सकता है कि आप कुछ ऐसे ही गाने पर डांस करें जिसमें फुहड़तापन ना दिखे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सपना के हर गाने में फुहड़तापन देखी जाती है। ये बात जो आप कह रही है, हो सकता है इनकी बातचीत के दौर से ये कुछ रहे, लेकिन यहाँ बातचीत जब आपस में हो ही नहीं रही, उसका प्रोग्राम फिक्स हो जाता है, फिर जब साधु संतों को मालूम पड़ता है तो साधु संत इसका विरोध करते हैं, तो आपस में जो बातचीत का जो कम्युनिकेशन गैप है वो गैप हो जाता है, इस वजह से सारा समाज संत समाज और वृंदावन के सारे संत इसका विरोध में उतर आते हैं। तो ये हो सकता है कि कम्युनिकेशन गैप की वजह से हो, कि लेकिन इसका क्राइटेरिया क्या है कि वो किस गाने पर पूरा डांस करेगी और किस पर नहीं करेगी? लेकिन साधु संतों का ये मानना है कि उसके नाच में पूरी तरह प्रतिबंध होना चाहिए, मथुरा में, तो खासकर धर्मनगरी मथुरा में। जी आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या सपना चौधरी मथुरा पहुंच चुकी है, पूरी कार्यक्रम की तैयारी हो चुकी है? कार्यक्रम की तो पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है, टिकट भी बिक चुकी है, लेकिन सपना चौधरी अभी मथुरा नहीं पहुंची है, लेकिन वहाँ कार्यक्रम स्थल पर जाके देखा तो कार्यक्रम की तैयारी पूरी हो चुकी है, टिकट काफी सेल हो चुकी है और लोगों में बड़ी उमंग है कि सपना चौधरी का मथुरा प्रोग्राम होने वाला है। लेकिन अब साधु संत के विरोध के बाद आगे क्या स्थिति रहती है इस पर नजर बनाए रखनी होगी, क्या प्रोग्राम उसका रद्द होता है या प्रोग्राम होता है, ये देखने वाली बात होगी। जी तो आपने कहा टिकट बिक चुकी है, तो नो डाउट टिकट बहुत भारी संख्या में बिकी होगी, क्या उम्मीद जताई जा रही थी, कितनी तादाद में वहां पे लोग पहुंचते और सपना चौधरी को सामने से परफॉर्म करते हुए देखते? जी मैं कहता हूँ हरियाणा भी डांसर, सपना चौधरी हरियाणा भी डांसर है और उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए लोग आतुर रहते हैं, चाहे वो किसी भी जगह के हों, मथुरा में भले ही विरोध हो रहा हो लेकिन लोग उसका डांस देखना पसंद करते हैं, उसके गाने के साथ उसके उसको देखना पसंद करते हैं, सामने स्टेज पर नाचती हो तो वहाँ सामने उसके नाचना पसंद करते हैं, तो ये लोगों की उत्सुकता तो है उसे देखने को, लेकिन अगर प्रोग्राम होता है रद्द होता है तो लोग मायूस तो होंगे। जी मातुल आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अभी इस विषय को लेकर संतों का क्या कुछ कहना है, किस बात पे वो अड़े हुए हैं? डीआईजी के पास भी जा चुके हैं, तो किस बात पे अडिग है वो, किस बात पे अड़े हुए हैं? वो यही कह रहे हैं कि अगर यहाँ के प्रशासन उसकी अगर परमिशन रद्द नहीं करता है, उसके डांस को रद्द नहीं करता है, तो वो खुद मौके पे पहुंचे, खुद स्टेज पे पहुंच जाएंगे और वहाँ धरना देकर बैठ जाएंगे, चाहे उसे वहाँ धरना देकर बैठ जाएंगे और कैसे भी उसका प्रोग्राम रद्द करवा कर ही मानेंगे। लेकिन अगर ये प्रशासन कर देता है, अगर ये शांति की बात प्रशासन कर देता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो सारा साधु संत समाज उसके स्टेज पर पहुंच जाएगा और प्रोग्राम को रद्द करेगा। लेकिन मातुल यहाँ ये भी चीज समझना होगा कि सपना का जो भी लोग विरोध कर रहे हैं उनका एक अलग गुट है, एक अलग दल है। आपने कहा कि साधु संत विरोध कर रहे हैं, पर सपना के प्रशंसक भी बहुत सारे हैं, टिकटें बिक चुकी हैं और सपना के प्रशंसक सिर्फ मथुरा में नहीं बल्कि पूरे देश भर में है, तो ऐसे में यदि सपना पहुंचती है, कार्यक्रम की पूरी तैयारी हो चुकी है, पर सपना को स्टेज पे चढ़ने ही ना दिया जाए, परफॉर्म करने ही नहीं दिया जाए, तो एक दूसरा दल खड़ा हो जाएगा जो सपना के सपोर्ट में है, वो भी विरोध करना शुरू कर देंगे।
पहले भी 3 या 4 बार सपना का प्रोग्राम रद्द हो चुका है, तब भी कोई ऐसी स्थिति सामने नहीं आई कि उसका विरोध लेकर लोगों को साधु समाज ने जरूर विरोध किया था, प्रोग्राम रद्द करवा दिया था, लेकिन ऐसी कोई स्थिति यहाँ मथुरा में नहीं बनी थी कि लोग विरोध में आए और चाहें कि सपना का प्रोग्राम हो। अगर प्रोग्राम रद्द हो गया तो लोग कोई दिक्कत नहीं हुई, तो ऐसा कभी सामने नहीं आया है 4 बार प्रोग्राम रद्द होने के बाद भी कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई हो। जी जी बिल्कुल मातुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।